तेज प्रताप के चहेते भी हैं जो अपनी मेहनत और लगन से राजद में तेजी से उभरता हुआ युवा चेहरा आकाश यादव समस्तीपुर से रसेड़ा पहुंचे। रसेड़ा में उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए एग्जिट पोल के नतीजों पर कहा, उन्हें एग्जिट पोल पर जरा भी भरोसा नहीं है। उन्हें विश्वास है कि इस बार चुनाव में सीटें 200 पार हैं और तेजस्वी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इनसे अगर जानना चाहिएगा तो मुझे एग्जिट पोल पर जरा सा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो अपना अनुमान रहा इस चुनाव में कि हम लोग कितनी सीटें जीतेंगे वो 200 के पार है, लेकिन हर एग्जिट पोल जो है वो हम लोग को 150 और 180 दिखा रहा है। तो 150 और 180 नहीं बल्कि 200 सीटों पर महागठबंधन जीतने जा रहा है और तेजस्वी यादव भैया बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिला दूं कि तेज प्रताप यादव भैया की जो लगातार महीनों भर से हमारे तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया, गांव-गांव जाने का काम किया और जनता का जो मांग था बदलाव, जनता का मांग था तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री, तेज प्रताप यादव हसनपुर का विधायक, उस मांग को आज यहाँ की जनता ने देने का काम किया है। और जैसे महुआ का विकास हुआ था, जैसे महुआ के लोगों ने तेज प्रताप भैया को मौका दिया था, ठीक उसी प्रकार हसनपुर की जनता मौका देगी। और महुआ में जैसे मेडिकल कॉलेज बना था, ठीक उसी तरीके से हसनपुर में भी डिग्री कॉलेज बनेगा, अस्पताल बनेगा, सड़क बनने का काम की। और मीडिया वाले लोगों की सुरक्षा की बात अगर आप करते हैं तो एकमात्र दल राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा होगा जिसका भाव संबंध और मीडिया के प्रति प्रेम होगा तो वह राजद का होगा। हम लोगों के मीडिया कर्मियों के प्रति जो योजनाएं लाई जाएगी, पेंशन को लेकर, उनके सुरक्षा को लेकर, उनके बीमा को लेकर, उन तमाम चीज़ों को हम लोग कैबिनेट में लाने का काम करेंगे और मीडिया कर्मियों को भी सुरक्षा पहुंचाने का काम। बता दें, आकाश यादव ऐसे शख्स हैं जिसका अंदाज लालू यादव और तेज प्रताप जैसा है। चुनाव के दौरान आकाश यादव हसनपुर विधानसभा में अपने दमखम से प्रचार प्रसार कर वोट बैंक की संख्या बढ़ाने के प्रयास में लगे थे और घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील भी की थी। समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट।